हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज यास्मीन हाशमी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट इन क्लास थ्री। चिल्ड्रेन, इन इंग्लिश सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी नाइस लेसन। द आवर सी, द टाइटल ऑफ द लेसन इज द मैजिक गार्डन। चिल्ड्रेन, एवरी डे यू गो टू पार्क, एवरी डे यू गो टू पार्क इन इवनिंग अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स, अलॉन्ग विथ योर मम्मी एंड अलॉन्ग विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स। एवरी डे यूज टू गो गार्डन अलॉन्ग विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर मदर। सो चिल्ड्रन, सम डू यू लव टू गो टू गार्डन? सी चिल्ड्रन, इन गार्डन यू प्ले लॉट्स ऑफ गेम्स। सी इन गार्डन यू नो देर आर सो मेनी सी देर आर सी दो देर आर सो मेनी प्लांट्स एंड यू यू कैन सी कलरफुल फ्लावर्स एंड यू कैन सी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फ्लावर यू कैन सी इन द गार्डन। एंड what do you see in the garden, children? You see seesaw and sliding, and there are different types of rides in the garden. So, children, do you love to go to garden? Children, you know, children, you enjoy to visit garden. See, there are so many people who love to go to garden. Some people you can see in the garden ki they do exercise and they do walking, and some children play lots of game in the garden. So here we are going to learn very nice lesson. Our lesson name is C. Today I am going to explain you very nice lesson. The title of lesson is The Magic Garden. Children, as I explain you, children, every day you go to garden along with your grandparents and your mama. So children, sometime you go with your friends also. So children, in garden, what do you do? See children, in garden, what do you do, children? See, in garden, what do you do, children? You play lots of games. See, in when you go to garden, see what do you see in the garden? You see colorful flowers and beautiful plants, and everywhere you see greenery. And what type game you enjoy to play? You enjoy to play seesaw, sliding, and swinging, and you play hide and seek also. You do running also. So in garden, what do you see? There are so many people who come to who came who. See there, you can see there are so many people who do lots of exercise, and they here in garden so many. See in garden, you can see so many people you can see. People came to walk and people came for meditation. They came to relax because when they came in the garden, they are coming because our mind become fresh when we visit in garden. So here our lesson is the magic garden. Magic garden means एक जादू वाला garden. जैसे बच्चों, मैंने आपको बताया, जब आप इवनिंग में जाते होंगे जरूर, जैसे आपका वीकेंड होता होगा, या इवनिंग में जैसे आप हाफ एन आवर जरूर निकालते होंगे अपने मम्मी डैडी के साथ। कभी कभी डैडी ऑफिस कभी ऑफिस भी चले जाते होंगे, या ऑफिस से लेट आते होंगे, तो आप अपनी मम्मी या दादा दादी के साथ जरूर गार्डन जाते होंगे। तो गार्डन में आप देखो बहुत सारे गेम्स खेलते होंगे। जैसे गार्डन में आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स देखे होंगे, आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे। वहाँ पे स्लाइडिंग होती है, सीसॉ होता है। अब बहुत सारे लोगों को आपने यू एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन जो आज का हमारा लेसन है बच्चों, द मैजिक गार्डन, हमारा जो लेसन है द मैजिक गार्डन। अभी बच्चों, मैजिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिक? सी, आपने मैजिक शो देखा होगा टेलीविजन पे, आपने सर्कस में देखा होगा, जू में देखा होगा, आपने ऐसे फेयर में देखा होगा। जो फेयर होता है, जैसे कोई एक कार्निवल होता है, एक मेला होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे मैजिक शो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लेसन है द मैजिक गार्डन, मतलब ऐसा गार्डन जहाँ पे एक जादू वाला गार्डन है, जहाँ पे हर चीजें बहुत ही फ्रेश नजर आती है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। आज जो हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सीबीएसई क्लास थ्री में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे, जो हमारे आज का लेसन है, द टाइटल ऑफ लेसन इज द मैजिक गार्डन। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। जैसे आपके स्कूल में भी बच्चों गार्डन होगा, जैसे जहाँ पे आप प्लांटेशन करते होंगे, जैसे हमारे बिल्डिंग के हमारे कॉलोनी में सोसाइटी के पास हमारे हमारे सोसाइटी में एक गार्डन होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते होंगे। जैसे आप भी अपने मम्मी डैडी के साथ, मैंने आपको बताया ना, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ जरूर जाते होंगे। लेकिन ये जो गार्डन है द मैजिक गार्डन, मतलब ये ऐसा गार्डन है जहाँ पे गार्डन हमेशा फ्रेश होता है, जहाँ पे कभी भी
कभी भी कोई चीजें बोलते हैं ना, कभी भी कोई चीजें बुरी नजर नहीं आती हैं। एक फ्रेश गार्डन है, द मैजिक गार्डन। मतलब आपने जैसे एक मैजिक देखा होगा, आपने मैजिक पेंसिल देखा होगा, और आपने ऐसी बहुत सारी मैजिक शो देखा होगा जिसमें से मैजिक निकलता है। जैसे आपने क्लाउन देखा होगा, जोकर देखा होगा, मैजिक मैजिशियन को देखा होगा जो बहुत सारे मैजिक दिखाते, बहुत सारे जादू दिखाते। जैसे आपके स्कूल में तो गार्डन जो होगा, जहाँ पे आप प्लांटेशन करते होंगे, आप प्लांट को डेली पानी देते होंगे, डेली पानी देते, आपने अच्छा अभी आपने देखा होगा जो गार्डन रहते हैं, वो गार्डन की देखभाल करता है, वो टेक्स द केयर ऑफ द गार्डन, गार्डनर अंकल। गार्डनर अंकल विजिट एवरी डे इन द गार्डन, ही टेक केयर ऑफ द गार्डन। मतलब वो जो गार्डनर अंकल होते हैं वो डेली आते हैं गार्डन में विजिट करते, कि हमारे हमारा गार्डन नीट एंड क्लीन है कि नहीं। मतलब वो सारी चीजों की देखभाल करते, कि हमारा जो ट्री, जैसे आपने देखा जो ट्रीज होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब प्लांट प्लांट को उन्हें पानी देना होता है ना, जो गार्डनर रहते हैं वो प्लांट्स को डेली पानी देते हैं। तो वो क्या करते हैं, मतलब गार्डनर जो रहते हैं वो जो जैसे जो बैड लीव्स रहती है, जो जो बेकार लीव्स रहती है, जो जो घास सड़ जाती है, उन्हें कट करना, उनकी कटाई करना, और उनको प्लांट उन्हें बराबर पौधों को पानी देना, ये सब किसकी ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है, गार्डनर की होती है। जैसे हमारे क्लास में हमें टीचर पढ़ाती है, और जैसे हमारे जैसे यहाँ पे जो गार्ड हमारे क्लास में जो बच्चों का देखभाल कौन करती है, बच्चों क्लास टीचर करती है, लेकिन जो गार्डनर जो गार्डन है, गार्डनर में गार्डन का ध्यान कौन रखता है, गार्डनर अंकल करते हैं। मतलब वो बराबर बराबर से वो देखभाल करते कि उन्हें कब पानी देना, उन्हें कब, मतलब जैसे आपने देखा होगा जब आप गार्डन, वेन यू विजिट टू गार्डन, तो आपने वॉचमैन अंकल देखा होगा, वहाँ पे एक वॉचमैन अंकल होते हैं, अ गार्डनर अंकल भी रहते हो, जो गार्डन मतलब हर चीज की, वो हर चीज पर नजर रखते हैं। ही टेक्स, हाँ मतलब गार्डनर अंकल टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। तो हियर लेट्स बिगिन आवर लेसन, द मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। अभी यहाँ पे जो ये मैजिक गार्डन है कहाँ पर है बच्चों, इट इज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। जैसे हमारे हमारा स्कूल होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं, ऐसे भी बच्चे आपने देखा होगा, दे आर सो मेनी चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल इन मॉर्निंग एंड एंड एज वेल एज इन इन आफ्टरनून। ऐसे भी बच्चे हैं जो मॉर्निंग में भी जाते हैं, आफ्टरनून भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैजिक गार्डन कहाँ पर है, स्कूल प्लेग्राउंड के अंदर है। जैसे आपके स्कूल में प्लेग्राउंड होगा जहाँ पे टीचर आपको मार्स ड्रिल, फिजिकल ड्रिलिंग, बहुत सारी पीटी की एक्सरसाइज करवाती होगी, जहाँ पे आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे बहुत सारे गेम्स खेलते होंगे, बैडमिंटन, टेनिस खेलते होंगे। इट वॉज वेरी प्रीटी सनफ्लावर एंड रोसेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, देयर वर ऑल्सो मारी गोल्ड पॉपीज एंड पेंसिल। अभी यहाँ पे ये जो मैजिक गार्डन है बच्चों, वो कहाँ पर है, वेर इज इट, इट इज इन स्कूल प्ले ग्राउंड। मतलब ये जो मैजिक गार्डन आप देख रहे हो बच्चों, ये जो मैजिक गार्डन है हमारा है बच्चों, ये हमारे स्कूल स्कूल के प्लेग्राउंड में, ये हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में है। अब यहाँ पे देख रहे हो, जैसे हमारा जो स्कूल का प्लेग्राउंड होता है, तो वी हियर इन स्कूल प्लेग्राउंड वी प्ले लॉट्स ऑफ गेम, यू प्ले लॉट्स ऑफ आउटडोर गेम, वी प्ले हाइड एंड सी, खो खो, कबड्डी, टेग ऑफ वॉर, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, वी प्ले लॉट्स ऑफ गेम। तो हियर आपने देखा द मैजिक गार्डन, इट इज इन स्कूल प्लेग्राउंड। तो ये जो मैजिक गार्डन, हाउ इट इज, इट इज वेरी ब्यूटिफुल, हियर यू कैन सी चिल्ड्रन। यू कैन सी चिल्ड्रन कलर, ब्यूटिफुल फ्लावर्स यू कैन सी, सी सी देयर देयर इज अ सन फ्लावर्स, एंड यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर्स यू कैन सी इन द गार्डन, सी चिल्ड्रन, यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर देयर इन द गार्डन, देयर इज अ सन फ्लावर, रोजेस, सन फ्लावर यू कैन सी, एंड रोजेस एंड मारीगोल्ड, यू कैन सी मारीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसीज। तो यहाँ पे जो मैजिक गार्डन है, मैजिक गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल है, कि यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप बच्चों गार्डन जाते हैं, व्हेन यू गो टू गार्डन, व्हेन यू विजिट द इन द गार्डन, सो इन गार्डन व्हाट डू यू सी, यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एंड यू ऑल्सो सी ट्रीज, एंड यू सी डिफरेंट कलरफुल फ्लावर ऑल्सो सी अराउंड इन द गार्डन। तो यहाँ पे आप जब गार्डन जाते हो, तो आपको गार्डन में बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलती है, बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन बच्चों जो हमारा मैजिक गार्डन है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारे, ये जो मैजिक गार्डन है हमारा स्कूल प्लेग्राउंड में, यहाँ पे जो मतलब ये गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, जैसी
यू कैन सी सनफ्लावर रोसेस एंड व्हाट यू कैन सी रोसेस एंड मारीगोल्ड पोपीज एंड पेंसिस दे आर ब्यूटिफुल कलरफुल फ्लावर्स आर देयर इन मैजिक गार्डन। तो बच्चों आपने देखा, नाउ यू चिल्ड्रन यू सॉ, आपने देखा दिस इज अ मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन में व्हाट आर यू सीइंग, सी यू कैन सी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द मैजिक गार्डन, सी यू कैन सी द मैजिक गार्डन इट इज इन स्कूल प्लेग्राउंड, आर हियर यू कैन सी रोजेस सनफ्लावर पेंसिस डेफोडिल्स एंड पॉपीज पेंसिस मारीगोल्ड्स आर दे आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर देयर इन मैजिक दे आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स दे आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन मैजिक गार्डन। ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर देयर इन मैजिक गार्डन। यू कैन सी वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वॉर टॉकिंग टू लिसन द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर डांस एंड सैंग हैप्पीली। अभी ये जो मैजिक गार्डन है, यू कैन सी यहाँ पे ये जो मैजिक गार्डन में आप देख रहे हो, जब ये यहाँ पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है इन फूलों पे पड़ती है, इन प्लांट्स पे पड़ती है, ट्रीज पे पड़ती है, जो फ्लावर्स जो रहते हैं दे स्टार्ट डांसिंग। मतलब वो क्या करते हैं, मतलब उन्हें जब रोशनी मिलती है, जब सूरज की रोशनी मिलती है, जब सूरज की किरणें मतलब ये जो फ्लावर्स पे पड़ती है, ट्रीज पे पड़ती है, प्लांट्स पे पड़ती है, ग्रास पे पड़ती है, मेडोज पे पड़ती है, तो ये जो फ्लावर्स है वो क्या करने लगते हैं, दे स्टार्टेड डांसिंग एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग। मतलब वो गुनगुनाने लगते हैं, आपस में नाचने लगते हैं और आपस में खुशी खुशी से गाने गाने लगते हैं। मतलब ये कौन, हुज डांसिंग चिल्ड्रन, फ्लावर्स फ्लावर्स आर स्टार्टेड डांसिंग एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग आल्सो। दे सेड टू वन अनदर वी हैव हंड्रेड ऑफ लिटिल वी हैव हंड्रेड ऑफ लिटिल गार्डनर्स दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। मतलब ये जो फ्लावर्स है, दिस फ्लावर्स आर दे आर टॉकिंग टू इच अदर, ये जो फ्लावर्स है आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हमारे जो स्कूल के बच्चे कितने अच्छे, हमारी कितनी देखभाल करते हैं, हमें रोजाना पानी देते हैं, पानी देते हैं, और हमें ये जो सनलाइट हमारी जो सूरज की रोशनी हमारे हम पर पड़ती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। मतलब हम कितने लक्की है कि गॉड ने हमें कितना ब्यूटीफुल बनाया है, तो दे आर थैंकफुल टू एलमाइटी गॉड। मतलब ये अब वो बहुत ही खुश हो रहे कि हमें ये जो स्टूडेंट के रूप में क्या मिले, हमें स्टूडेंट के रूप में क्या मिले हैं, मतलब ये गार्डनर, मतलब हमें जो ये गार्डनर है स्टूडेंट के रूप में मिले कि ये हमारी रोजाना देखभाल करते हैं, हमें देखते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें रोजाना पानी देते हैं। अब यहाँ पे जो मैजिक गार्डन में जो फ्लावर्स है, जब इन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही लक्की है, जब ये तो दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर दे आर स्टार्टेड डांसिंग एंड दे आर सिंगिंग हैप्पली। मतलब खुशी से वो गाना गा रहे और नाच भी रहे कि हम वाकई बहुत लकी है कि हमें हम बोलते हैं ना, हमारी हम बच्चे हमारी काफी देखभाल कर रहे हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर वॉर टॉकिंग टू द वर्ड्स। अभी यहाँ पे एक एक सुबह क्या हुआ, एक सुबह क्या हुआ, एक फ्लावर, जब एक सुबह होती है, जैसे आप मॉर्निंग में देखे होंगे सन राइज होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब एक सुबह होती है तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो बर्ड से बातें कर रहे हैं। जैसे आपने जब सन जैसे मॉर्ली मॉर्निंग होता है तो आपने देखा होगा, आपने बर्ड्स की आवाज सुनी होगी। तो यहाँ पे जब एक सुबह होती है तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है, यू कैन सी फ्लावर्स आर टॉकिंग टू द बर्ड्स। मतलब जैसे हम क्लास में अपने फ्रेंड से बात करते हैं, या जो घर में अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, या अपने ब्रदर सिस्टर से बात करते हो, तो हियर हुज टॉकिंग, हियर फ्लावर्स वन व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग, वन सनी मॉर्निंग फ्लावर्स इज टॉकिंग टू द बर्ड्स। मतलब फ्लावर्स और बर्ड्स के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। आई लव ऑल द चिल्ड्रन। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फ्लावर्स और बर्ड्स आपस में बात कर रहे कि यहाँ पे जो भी जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, मुझे सारे स्कूल के बच्चों से प्यार है। व्हाट दे आर स्पीकिंग टू इच अदर, आई लव ऑल स्कूल चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। अभी हियर व्हाट डू यू सी इन द मैजिक गार्डन,
हियर फ्लावर्स एंड फ्लावर्स इज फ्लावर्स एंड बर्ड्स आर टॉकिंग, फ्लावर्स एंड बर्ड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, फ्लावर इज टॉकिंग टू बर्ड्स, दे आर फ्लावर्स एंड बर्ड्स दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, बोथ ऑफ देम दे आर टॉकिंग टू ईच अदर की दे वॉट दे आर टॉकिंग, आई लव ऑल द स्कूल चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको स्कूल के बच्चे नजर आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा जब आपका फ्री टाइम होता है या प्ले टाइम होता है या गेम टाइम होता है, आपका पीटी टाइम होता है, तो आप प्ले ग्राउंड में स्कूल के प्ले ग्राउंड में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। तो यहाँ पे जो हियर बर्ड्स एंड फ्लावर दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं कि मुझे सारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उन लोगों से बहुत प्यार है कि ये हमारी काफी देखभाल करते हैं, हमें रोजाना वाटरिंग कैन से पानी देते हैं। जैसे आपने कैन देखा होगा, जैसे आपके घर में भी प्लांट्स होंगे ना बच्चों, आपके घर में यू ऑल हैव प्लांट्स एट होम, मतलब आपकी मम्मी जरूर विंडो में रखती होगी, प्लांट का पॉट जरूर रखती होगी, आप मम्मी को जाके पूछना। तो आपको भी प्लांटेशन करना चाहिए, प्लांटेशन करने से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा कूल रहता है। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है, फ्लावर्स एंड बर्ड्स दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल चिल्ड्रन आर, आई लव ऑल ऑल दिस स्मॉल चिल्ड्रन बिकॉज दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ, दे ऑलवेज गिव वाटर, दे ऑलवेज गिव वाटर, जो हम जैसे बहुत जब थक हम बहुत थर्स्टी रहते हैं, जब हम बहुत प्यासे रहते हैं, हमारी जो रूट्स है काफी भी प्यासी हो जाती है, काफी ड्राई हो जाती है, तो जो ये टाइनी टाइनी चिल्ड्रन है, जो स्मॉल चिल्ड्रन, हमें रोजाना पानी देते, वो भी किससे देते हैं, कैन से देते, विद द हेल्प ऑफ कैन दे गिव वाटर टू एवरी डे। तो यहाँ पे आपने देखा, दिस इज द पिक्चर ऑफ मैजिक गार्डन, यू कैन सी मैजिक गार्डन, वेर इज इट, वेर इज द मैजिक गार्डन, इट इज इन स्कूल प्ले ग्राउंड। तो हियर यू कैन सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन मैजिक गार्डन, देर आर डिफरेंट ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर देयर इन मैजिक गार्डन, यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर देयर, एंड सी हाउ स्कूल चिल्ड्रन आर टेक केयरिंग ऑफ द गार्डन, दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ द गार्डन बिकॉज दे लव देयर गार्डन। यस सेड द मारी गोल्ड, द बॉयज आर गुड टू अस टू, दे डिग द ग्राउंड सो वेल। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो फ्लावर्स और बर्ड्स के बीच में जो बातचीत हो रही है, मतलब वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे स्कूल के बच्चे कितने अच्छे हैं, हम कितने लक्की है, भगवान ने हमें कितना लक्की बनाया, गॉड ने हमें वाकई लक्की बनाया कि हमें ये जो स्कूल के बच्चे हमें गार्डनर के रूप में मिले, कि हमेशा हमारी देखभाल करते हैं, हमें अनटाइडी गंदा देखते हुए बिल्कुल हमें अनटाइडी बिल्कुल अनटाइडी नहीं रखते, हमें हमेशा पान हमेशा देखभाल करते, रोजाना हमें हमारी जो रूट्स रहती है, हमारी जो जड़ें जो बहुत प्यासी रहती है, उसे रोजाना वाटरिंग कैन देते, रोजाना उन्हें पानी देते हैं। अभी यहाँ पे यहाँ पे जो मैरी गोल्ड है वो क्या क्या बोल रही, मैरी गोल्ड जो फ्लावर्स है वो शी सेइंग कि यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे, जो स्कूल बॉयज आर ऑल्सो गुड, मतलब ये क्या करते, जैसे अगर हमें बच्चों प्लांटेशन करना होता तो हम क्या करते बच्चों, वॉट यू डू, हम कैसे ये जमीन में क्या करते हैं, हम डिगिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे हम ये जो जमीन में है हम डिगिंग करते हैं, और जैसे हम प्लांटेशन करने के लिए हमें हमें मिट्टी खोदना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो फ्लावर्स है, आप देख रहे हो ये जो बच्चे आप देख रहे हो, ये अभी आपने देखा, सी हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ मैजिक गार्डन, हियर सी हियर यू कैन सी देर आर स्कूल चिल्ड्रन, सी हाउ दे आर गिविंग वॉटर टू हाउ दे आर गिविंग वॉटर टू द फ्लावर्स, सी हियर यू कैन सी, सी
सी हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ मैजिक गार्डन सनफ्लावर यू कैन सी मैरी गर्ल यू कैन सी सी हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ मैजिक गार्डन तो इन मैजिक गार्डन यू कैन सी स्कूल चिल्ड्रन यू कैन सी हियर सी दिस इज अ सनफ्लावर मरी गोल्ड एंड एंड रोजेस डेजी सी यू कैन सी सन सन एंड यू हियर आर ट्रीज एंड स्कूल चिल्ड्रेन एंड बर्ड्स सो हियर बर्ड्स एंड फ्लावर्स फ्लावर्स एंड बर्ड्स आर दे आर टॉकिंग टू ईच अदर ही हाउ हाउ लक्की वी आर हाउ गॉड अलमाइटी गॉड हैज मेड अस लक्की की वी आर वेरी लक्की सो हियर हाउ स्कूल चिल्ड्रेन दिस स्कूल स्मॉल गर्ल्स एंड स्मॉल चिल्ड्रेन यू कैन सी दे आर ऑल दे लव देयर गार्डन बिकॉज दे लव टू गिव वॉटर टू द गार्डन वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड दे आर काइंड एंड 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 दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस अभी यहाँ पे आपने देखा ये जो आपने देखा ये जो बर्ड्स ये फ्लावर्स और बर्ड्स के बीच में क्या बातचीत हो रही है कि हमारे बच्चे जो है वाकई बहुत ही अच्छे हैं हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं ये जो गर्ल्स एंड बॉयज है छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे ये हमारी बराबर से देखभाल करते हैं कि जब हम हमारा हम जैसे ये बच्चों का जब ये बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलते हैं जब रिसेस टाइम होता है तो ये जो ये बच्चे हैं स्कूल के बच्चे वो अपने अपना उनका जो टिफिन होता है उनके टिफिन में से जैसे ब्रेड रहता है उनके टिफिन में रोटी रहती है वो या कोई खाने का आइटम रहता है राइस रहता है या चपाती रहती है तो ये जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे मतलब जो रहते हैं ये फ्री टाइम में इन बर्ड्स को खाने के लिए देते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है जैसे आपने देखा होगा जैसे आपके पास भी बच्चों खाना आपके पास भी कोई फूड आइटम होगा जैसे ब्रेड होता होगा या बिस्किट होगा या चपाती होगी तो आपने देखो जैसे आपको अगर कैट नजर आती है या डॉग नजर आती है या स्पैरो पैरेट या क्रो नजर आता है तो आपको उन्हें फीड करना अच्छा लगता है ना आपको उनको खिलाना अच्छा लगता है ना आप उनके साथ खेलते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बच्चे कैसे हैं यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ये जो बॉय है कैसे वो फीड कर रहा है मतलब उसके पास वो जो फूड आइटम है फूड आइटम देख रहे हो कैसे वो बर्ड्स को ब्रेड दे रहा है कैसे दाने दे रहा है मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो जो बॉयज है वो कैसे डिगिंग करके प्लांटेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आपने स्कूल के बच्चों को देखा वो कैसे वाटर कैन देख रहे हो आप कैसे वो कैन में वाटर लेके प्लांट ये फ्लावर्स को पानी दे रहे हैं कैसे वो गार्डन में अपने मैजिक गार्डन की देखभाल कर रहे कैसे वो अपने गार्डन की देखभाल कर रहे मतलब यहाँ पे आपने देखा मतलब यहाँ पे जो फ्लावर्स है बर्ड है आपस में बात कर रहे कि वाकई हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं बहुत ही अच्छे गर्ल्स भी अच्छे बॉयज भी अच्छे हैं मतलब जब भी ये फ्री होते हैं तो उनके पास जो भी फूड आइटम रहता है ये हमें खिलाते हैं हमारी बराबर से देखभाल करते हैं और जब हमें बहुत प्यास लगती है तो ये जो गर्ल्स है अपने कैन में वाटर फिल करके लाती है हमें रोजाना पानी देती है ऑल द फ्लावर्स सैड ऑल वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून अभी हियर वॉट आर द फ्लावर्स आर सेइंग टू ईच अदर सारे फ्लावर्स क्या एक दूसरे में आपस में बात करते हैं वॉट दे आर स्पीकिंग टू ईच अदर की हमें भी मेहनत करनी होगी वी शुड ऑल्सो वर्क हार्ड हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है मेहनत करना जैसे टीचर आपको हार्ड वर्क करने के लिए बोलती है आपको स्टडी अच्छे से करना है मेहनत करना है ताकि आप फर्स्ट फर्स्ट रैंक लाओ
हर काम में आपको हर्ड वर्क करने के लिए टीचर बोलती है हमेशा, टीचर ऑलवेज, और आपकी मम्मी भी बोलती है आपको पढ़ाई अच्छे से करना है। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, व्हाट दे आर स्पीकिंग टू इच अदर। ये जो फ्लावर्स है वो क्या बोलते हैं कि ये बच्चे तो हमारी बराबर से देखभाल करें, लेकिन हमें भी इन बच्चों से प्रॉमिस करना होगा, हमें भी हार्ड वर्क करनी होगी, हमें अपना जो ड्रेस है, हमारी जो ब्यूटीफाई है, उसे भी हमें ब्यूटीफुल बनाना होगा। अभी यहाँ पे ड्रेस क्या है, ये जो फ्लावर्स के कलर आप देख रहे हो, सी हियर यू कैन सी व्हाट इज द कलर ऑफ सनफ्लावर, इट इज येल्लो एंड ब्राउन इन कलर, एंड मारी गोल्ड इज ऑरेंज एंड येल्लो इन कलर, एंड रोज रेड एंड मरून इन कलर, एंड यू कैन सी पेंसीज इट इज इन ब्लू इन कलर। द सन सेड, आई विल हेल्प द सन सेड, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, फॉर नथिंग प्लेसेस प्लेजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन हियर। अभी यहाँ पे ये कौन बोल रहा है बच्चों, अभी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे सन क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, हियर आई सेड कि फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर प्रेजिंग द चिल्ड्रन कि हाउ चिल्ड्रन आर हेल्पफुल फॉर अस, दे ऑलवेज हेल्पफुल एंड दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ अस। तो हियर अभी यहाँ पे सन भी इनकी बातें सुन रहा, बोला कि ठीक है, जब वाकई आप लोग ने प्रॉमिस किया कि आप भी हार्ड वर्क करोगे, अब फ्लावर्स वाकई हार्ड वर्क करेंगे, वो भी अपना ड्रेस ब्यूटीफुल बनाएंगे, तो यहाँ पे जो सन है वो क्या बोल रहा है, मैं भी आप लोगों को बराबर न्यूट्रिशन दूंगा, जैसे जो सन है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, अगर सन ना रहे तो हमें हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ये तो यहाँ पे जो सोलार एनर्जी जो सन है वो भी ये इन फ्लावर्स और बर्ड से बात कर रहा है, मैं भी तुम्हारे इन काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं भी तुम्हें तुम मैं तुम्हें मैं भी तुम्हें अच्छा बनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, कि ताकि तुम्हारा जो ड्रेस है, जो जैसे ये जो फ्लावर्स का ड्रेस आप देख रहे हो, जैसे ये येलो कलर का, द कलर ऑफ सनफ्लावर यू कैन सी, एंड द कलर ऑफ मारी गोल्ड, एंड द कलर ऑफ रोज, एंड कलर ऑफ डेजीज एंड पेंसीज एंड पॉपीज। ये तो ये आपस में क्या बोल रहे हैं कि हम भी उनकी मदद करेंगे। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग टू लिसन टू देम। अभी यहाँ पे सडनली क्या हुआ, स्कूल के बच्चे आ जाते हैं, वो भी मतलब हंसने लगते, गाने लगते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि हमारे जो स्कूल का जो मैजिक गार्डन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओहो लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, जब आप गार्डन जाते होंगे तो देखो आपस में आप अपने फ्रेंड से बात तो करते होंगे ये गार्डन ये फ्लावर कैसा है, तो यहाँ पे ये स्कूल के चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, जब वो आते हैं, जब बच्चे बाहर आते हैं, आप देख रहे हो जब बच्चे स्कूल से छुट्टे बाहर आते हैं, तो ये मतलब वो गार्डन में विजिट करते हैं कि यहाँ पे ये लोग सारे बच्चे जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं, बातें बातें कर रहे कि ये जो शू फ्लावर है वो कितना हाइट पे लटका हुआ है, और ये जो ये सनफ्लावर है उसने अपना क्या किया है, अपना हेड उसने ऐसे बो किया है, सर झुकाया है। तो ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे आप जब गार्डन जाते हो तो आप अपने फ्रेंड से या मम्मी से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बातें तो करते होंगे, देखो मम्मी ये ट्री ऐसा क्यों है, ये फ्लावर ऐसा क्यों है, ये बर्ड ऐसा क्यों है, ये चीजें ऐसी क्यों है। तो चिल्ड्रन आर टॉकिंग टू ईच अदर, सी हाउ हाउ टॉल शू फ्लावर इज एंड हाउ द सनफ्लावर हेड इज बो डाउन। अनदर चाइल्ड सेड, आई लव द अनदर चाइल्ड सेड, आई लव द मारी गो आई लव द आई लव द मारी आई लव द अनदर चाइल्ड सेड। अनदर चाइल्ड सेड, आई लव द मारी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, द मारी गोल्ड स्माइल हैप्पली। अभी यहाँ पे जो जब बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, तो दूसरा बच्चा क्या बोलता है कि मुझे किसका ड्रेस पसंद आया, जैसे यहाँ पे जब बच्चे फ्लावर्स को देख रहे हैं, आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा हियर यू कैन सी
जब बच्चे स्कूल के बच्चे आते हैं, व्हेन चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द केम इन गार्डन, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग कि हाउ हाउ फ्लावर्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. हाउ शू फ्लावर, मतलब ये क्या बोल रहे कि मुझे, यहाँ पे दूसरा बच्चा क्या बोलता है, मुझे सबसे अच्छा ड्रेस किसका लग रहा है, मरी गोल्ड का, क्योंकि ये गोल्डन कलर में नजर आ रहा है. अभी यहाँ पे बच्चों, ये जो ड्रेस है, जैसे फ्लावर्स, जैसे हम ड्रेस पहनते, सी एवरी डे वी वियर ड्रेस, वी वियर यूनिफॉर्म, वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ. तो यहाँ पे हम जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये प्लांट्स के तो कपड़े नहीं होते ना, ना ही एनिमल्स के कपड़े होते हैं. तो मतलब ये जो कलर्स है, फ्लावर्स का कलर, जैसे द कलर ऑफ सनफ्लावर इज येलो एंड ब्राउन इन कलर, एंड द कलर ऑफ मरी गोल्ड इज गोल्डन इन कलर, एंड द कलर ऑफ रोज इज रेड इन कलर, एंड द कलर ऑफ पॉपीज एंड पेंसीज इज ब्लू इन कलर एंड पर्पल इन कलर. सो इसमें से सारे बच्चे जब आपस में बात करने लगते हैं कि हमारा जो गार्डन है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और यहाँ के जो फ्लावर्स है बहुत ही खिले हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत ही फ्रेश नजर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो शू फ्लावर है बहुत ही हाई में ऊपर ऊपर लटका हुआ है, और जो सनफ्लावर उसका तो सर हेड जो है झुका हुआ है. लेकिन उसमें से दूसरा बच्चा क्या बोलता है, जो मारी गोल्ड है, मतलब वो, मुझे मारी गोल्ड का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये गोल्डन कलर का है और बहुत गोल्डन कलर काफी शाइन कर रहा है. तो यहाँ पे आपने देखा, ये जो मैजिक गार्डन है, जहाँ पे इनके जो मैजिक गार्डन, जो उनके स्कूल के प्लेग्राउंड में, बच्चे इस मैजिक गार्डन की कितनी देखभाल करते हैं, उन्हें अपने मैजिक गार्डन से काफी प्यार है. इट वॉज इंडेड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू. अभी यहाँ पे क्या बोल रही है, ये वाकई यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो बच्चा है उसने क्या देखा पहले, उसने जैसे यहाँ पे हम जब गार्डन जाते हैं तो हम गार्डन में सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या है, क्या है, क्या नहीं है ना बच्चों. जैसे यहाँ पे आप स्लाइडिंग चेक करते हो, सीसॉ देखते हो, आप राइड्स देखते हो, आप फ्लावर्स देखते हो, आप बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हो, ट्रीज को देखते हो, ग्रास को देखते हो, और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हो, अपने फ्रेंड से बातें करते हो कि ये चीज ऐसी क्यों नहीं है. तो यहाँ पे जब आपने देखा कि जब सारे फ्रेंड्स आपस में बात करने लगते हैं, जब सारे फ्रेंड्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है, ये फ्लावर कैसा है, तो आपने देखा कि एक जो फ्रेंड है, अभी यहाँ पे जो एक फ्रेंड है, अभी यहाँ पे जो एक बच्चा है, ये बच्चा क्या बोल रहा है बच्चों, ये आपने देखा कि वो, उसने देखा कि उसने सनफ्लावर को देखा, बोला कि इसका हेड कितना झुका हुआ है, इसका हेड क्यों बो डाउन है, क्यों झुका हुआ है. जैसे व्हेन ही सॉ द सनफ्लावर, व्हाट ही सीइंग कि व्हाई द सनफ्लावर्स हेड इज बो डाउन. इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू. मतलब ये जो मैजिक गार्डन है वाकई, मतलब ऐसे कोई बोला हुआ, ऐसे झूठ का बोला हुआ गार्डन नहीं था कि मतलब बच्चों ने ऐसी इसका ऐसी नाम को किसी ने इसका ऐसे ही नाम रख दिया मैजिक गार्डन, मतलब ये वाकई मैजिक गार्डन था, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, यू कैन सी फेरी. आप फेरी देख रहे हो बच्चों, फेरी हम किसको बोलते हैं, परी को बोलते हैं. जैसे आज जो परियां रहती है, जैसे आपने देखा होगा, जो स्काई में फ्लाई करती है, स्काई में बादलों में उड़ती हैं, दे डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर. मतलब यहाँ पे जो मैजिक गार्डन में किसका रोज का आना जाना रहता है, जैसे हमारे नॉर्मल गार्डन में तो परियां तो नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चों बच्चों जो ये मैजिक गार्डन था, ये आप देख रहे हो, जो मैजिक गार्डन था, आप देख रहे हो ये मैजिक गार्डन में जो फेरीज है, मतलब आपस में क्या कर रही है, डांस कर रही है, दे आर डांसिंग एंड दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर सिंगिंग सॉन्ग, दे आर सिंगिंग, मतलब इनके जो गाने हैं वो कौन कौन, मतलब इनके गानों को कौन सुन रहा है, सिर्फ बच्चे ही सुन रहे हैं, क्योंकि ये गार्डन जो है मैजिक गार्डन है. सो चिल्ड्रन यू सी, यू सॉ, दिस इज अ मैजिक गार्डन. अ मैजिक गार्डन में व्हाट यू सी इन द मैजिक गार्डन, यू सी सी दिस इज द इंडिड मैजिक गार्डन बिकॉज दे आर, बिकॉज फेरीज आर देयर इन मैजिक गार्डन, एंड दे आर डांसिंग एंड दे आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग अ
दे आर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग एंड मतलब ये जो है फेरीज है वो आपस में खूब नाच रही है, गाने गुनगुना रही है, डांस कर रही है. इनके गाने को कौन सुनाई, कौन कौन सुन रहा है? बच्चे सुन रहे हैं. बच्चे इनके गानों को क्या कर रहे हैं? बच्चे इंजॉय कर रहे हैं. दे आर इंजॉइंग टू ईच चिल्ड्रन आर इंजॉइंग टू ईच अदर. आपने देखा बच्चों, ये जो गार्डन है वाकई मैजिक गार्डन है कि बिकॉज दिस इज वाकई दिस इज इंडीज मैजिक गार्डन बिकॉज फेरी यूज टू कम हियर एंड दे आर डांसिंग एंड देन दे आर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग एंड देयर सॉन्ग ओनली ओनली चिल्ड्रन कैन हियर. आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट एंड डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रेन. देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन. अभी क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है तो यहाँ पे जो जब मॉर्निंग होता था तो ये जो गार्डन है हमारा वाकई क्या बन जाता था बच्चों, मैजिक, बिकॉज दिस इज अ मैजिक गार्डन. और यहाँ पे मैजिक गार्डन में जो मैजिक इन मैजिक गार्डन यू कैन सी देर आर वॉट डू सी इन द गार्डन बिकॉज दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर देयर इन द मैजिक गार्डन एंड फेयर यूज टू कम. दे डांस एंड दे सिंग, दे सिंग स्वीट सॉन्ग, दे सिंग स्वीट सॉन्ग एंड दे जॉय टू दे एंजॉय एंड दे सॉन्ग ओनली हु कैन हियर, ओनली चिल्ड्रेन कैन हियर एंड दे आर एंजॉइंग अमंग देमसेल्फ. तो हियर देयर ड्रेसेस हाउ द फेरीज आर एंजॉइंग हियर इन मैजिक गार्डन. सी देयर ड्रेस आर मेड अप ऑफ विथ फ्लावर. दे मेडिस इनके जो ड्रेस आप देख रहे हो, जो पेरिस के जो ड्रेस है उनके कपड़े आप देख रहे हो किसके बने हुए हैं, फूलों से बने हुए हैं. उनके विंग्स जो हैं कैसे हैं, उनके जो विंग्स चमक रहे जैसे जो परी होती है. आपने परी देखी होगी, जो परी जैसे आपने बर्ड्स को उड़ते हुए स्काई में देखा होगा, जैसे जो पैरी होती है वो भी बर्ड्स की तरह उड़ती है. मतलब उसके जो फेदर होते हैं जैसे बर्ड्स के फेदर होते हैं उसी तरह पेरिस के भी फेदर होते हैं. तो उनके जो फेदर है वो गोल्डन से मतलब वो मतलब शाइन कर रहे, जैसे सूरज कैसा चमकता है वैसी सनशाइन की तरह उनके जो विंग्स है चमक रहे. और उनके जो ड्रेस है पेरिस के ड्रेस कैसे बने हैं, फ्लावर्स के बने हुए हैं. द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन. अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब नाइट हो जाती है, जब अंधेरी रात हो जाती है तो जो मैजिक गार्डन आप देख रहे हो, मैजिक गार्डन जो है हमारा काफी क्या हो जाता है बच्चों, जब अंधेरी रात हो जाती है तो हमारा जो मैजिक गार्डन है काफी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है. जैसे आपने देखा होगा जैसे जो हमारा जो लोकल हमारी जो सोसाइटी होती है, लोकल पार्क होता है, वो भी बच्चों 7 o'clock 6 नॉर्मली यूजली 6 PM 7 PM को क्या हो जाता है बच्चों, क्लोज हो जाता है. देखो अंकल आते बोलते हैं ना कि आपका गार्डन क्लोज होने जा रहा है, वो क्या करते, वो अंकल आते हैं, वॉचमैन अंकल आते हैं, वो क्या करते गेट क्लोज कर देते हैं. तो यहाँ पे जो मैजिक गार्डन है जब नाइट होती है तो हमारा जो मैजिक गार्डन है वो क्या हो जाता है, क्वाइट हो जाता है, शांत हो जाता है. मतलब जो फ्लावर्स है, ट्रीज है, प्लांट्स है और फेरीज है वो क्या हो जाते हैं, वो गहरी नींद सो जाते हैं. फ्लावर्स और बर्ड जैसे नाइट में हम सारी एक्टिविटीज करके, हम सारे अपने काम करके, जैसे कि आपके डैडी ऑफिस आ जाते हैं डिनर कर लेते हैं, आपकी मम्मी भी आपके यूनिफॉर्म प्रेस करके आपका टाइम टेबल रख के सारा टाइम टेबल सेटअप करके आप सारी एक्टिविटीज डन कर लेते हो, तो आपकी मम्मी डैडी बोलते हैं ना इट्स नाइट टाइम नाउ यू हैव टू स्लीप. तो यहाँ पे जो मैजिक गार्डन में सब सारी एक्टिविटी हो जाती है, तो जितने भी फ्लावर्स है, बर्ड्स है, बर्ड्स अपने नेस्ट में चले जाते हैं, फ्लावर्स भी सो जाते हैं, या पेरिस भी अपने घरों में चली जाती है, मतलब वो सो जाते, गहरी नींद सो जाती है. वो किस चीज का ड्रीम देखने लगते हैं, जैसे बच्चों हम सोते तो हमारे हमें भी ड्रीम आता है ना, हम कभी गुड ड्रीम्स देखते हैं और कभी कभी बैड ड्रीम्स भी देखते हैं जिसपे हम बहुत ही डर जाते हैं. तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है बर्ड्स वो क्या इतनी गहरी नींद में सो जा रहे हैं, और वो मतलब किसका मतलब वो उस दिन का वापस से इंतजार कर रहे, कब वो अगला दिन आएगा जब बच्चे आएंगे हमारे साथ खेलेंगे, हम उनके साथ नाचेंगे गुनगुनाएंगे मस्ती करेंगे, अब हम अपना डे बहुत मजे वाला मस्ती वाला बनाएंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, सी हियर फ्लावर्स एंड बर्ड्स आर गोइंग टू स्लीप बिकॉज नाइट, अ नाइट में जो इट्स नाइट द गार्डन बिकम क्वाइट एंड फ्लावर्स एंड बर्ड्स फॉल्स अस्लीप दे आर बिकॉज दे आर ड्रीमिंग टू द नेक्स्ट डे व्हेन चिल्ड्रन विल गोइंग टू कम व्हेन चिल्ड्रन विल कम दे आर ड्रीमिंग ऑफ द चिल्ड्रन व्हेन चिल्ड्रन कम विल सिंग एंड डांस टुगेदर वी एंजॉय अमंग देमसेल्फ. तो आपने देखा कि जो मैजिक गार्डन की स्टोरी बहुत ही अच्छी, कि कैसे मैजिक गार्डन में जो फ्लावर्स है और
और जो प्लांट्स हैं, जो बर्ड्स हैं और जो फेरीज हैं, कितने मजे कर रहे, कितने एंजॉय कर रहे हैं। हमारे जो ये स्टोरी के जो राइटर है, जो लेसन उन्होंने लिखा है, इसके राइटर हम राइटर का नाम हम देखेंगे कौन, इसके राइटर कौन है बच्चों? एडेप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एश बोल्टन। उन्होंने बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा लेसन लिखा। मतलब ये जो ऑथर है, जैसे राइटर होते हैं, पोइट होते हैं, तो यहाँ पे जो एडेप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एच बोल्टन, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा लेसन लिखा है। आपने देखा कि उन्होंने एक मैजिक गार्डन की स्टोरी लिखी है, कि ये जो मैजिक गार्डन की स्टोरी बताई है, कैसे गार्डन में जो फ्लावर्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, कैसे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं? स्कूल बच्चों के साथ। तो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉय द दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू।